मेरे प्रिय छात्रों, आज हम एक नया टॉपिक के साथ केमिस्ट्री एकेडमी चैनल्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं। यह लेक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ स्टूडेंट्स बी केयरफुल, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि जानते हैं, जब रोड से चलते हैं तो सावधानी हटती है, दुर्घटना घटित होती है, उसी तरह यह वीडियो है। आप पूरा इसको वॉच करेंगे तो आप इसकी हर पहलू की स्थिति आप समझ पाएंगे। यदि आप कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे और वीडियो के अंत में जो क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तो आपके जो कॉन्फिडेंस हैं वेल मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस विषम परिस्थिति में जो भी सिचुएशन बन रहा है उस सिचुएशन के अनुसार आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उसको अच्छे ढंग से लेने का प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत करने वाला फल हमेशा मीठा होता है। आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें, आपका रिजल्ट जो भी आएगा वो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। तो हम यही कहेंगे कि इस हमारे वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, और साथ में ही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। तो स्टूडेंट्स, हम सम टॉपिक्स जो है उसको ऑन बोर्ड्स पर राइट किया गया है, इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाने का प्रयास जो कर रहे हैं आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। तो स्टूडेंट, टू सी ऑन बोर्ड्स स्टार्टेड द वीडियो। दिस टॉपिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 15 एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ग्रुप 15 एलिमेंटों की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेज एंड द ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अवस्था और ट्रेंड्स केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीकरण अवस्था और उनकी जो है केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे, इसको समझें। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ दिस एलिमेंट आर -3, +3 and +5। यानी ग्रुप 15 के एलिमेंटों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज एलिमेंट्स का होता है -3, +3 and +5 होता है। द टेंडेंसी टू एक्सहिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिग्री डाउन द ग्रुप। जब हम 15 ग्रुप के अंदर चलते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है क्रमशः घटता चला जाता है। द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज साइज एंड द मेटेलिक कैरेक्टर्स। जब ग्रुप्स के अप टू डाउन चलते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, उनका साइज इंक्रीज करता है, और जो है मेटल का साइज इंक्रीज करता है और मेटेलिक करेक्टर्स जो है बढ़ते चले जाते हैं। 15 ग्रुप इन टॉप टू बॉटम। इन फैक्ट लेस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिस्मथ। जब ग्रुप 15 के अंदर चलते हैं तो पांचों तत्वों, जो पांच एलिमेंट हैं इसको तत्व कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटमनी एंड बिस्मथ, जो लास्ट मेंबर है वो बिस्मथ है, और बिस्मथ जो होता है यह जो है लास्ट मेंबर है ग्रुप 15 का, और यह हार्डली फ्रॉम एनी कंपाउंड। अतिरिक्त जो चार हैं उनके अतिरिक्त यह जो होता है एलिमेंट हार्ड होता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेज, और उसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेज होता है द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी जब ग्रुप 15 के अंदर चलते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेज टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता चला जाता है। एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का एनामोलस प्रॉपर्टीज देखेंगे। नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द रेस्ट द मेंबर ऑफ दिस द ग्रुप ड्यू टू इट इज स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन जो होता है डिफरेंट होता है अदर्स मेंबरों के अपेक्षा, और इस ग्रुप्स के अंदर जो है इसकी जो साइज होती है स्मॉल होती है, और इसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और हाईली आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। और जब नाइट्रोजन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके अंदर जो है डी ऑर्बिटल जो होता है नॉन अवेलेबल होता है, या डी ऑर्बिटल उपस्थित डी ऑर्बिटल नहीं आता है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी ऑफ फ्रॉम द पी पाई टू पी पाई, यानी जो 15 ग्रुप के अंदर फर्स्ट मेंबर जो नाइट्रोजन है इनकी यूनिक एबिलिटी फॉर्म होती है पी पाई टू पी पाई, मल्टीपल बॉन्डेड होते हैं, या पी पाई और पी पाई मल्टीपल बॉन्डेड बनाते हैं विथ इट सेल्फ एंड विथ अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज। यह जो होता है अदर एलिमेंट के अपेक्षा यह स्मॉल साइज का होता है, जिसके कारण पी पाई टू पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनने के वजह से हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और जिसकी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनने के वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईली होती है, और आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वह जो है आपका हाईली होता है। फॉर एग्जाम्पल अदर्स के अंदर हम देखते हैं सी ओ के अंदर भी जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है, इसलिए इनकी साइज जो होती है स्मॉल होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईली होता है, और आयनाइजेशन इंथैल्पी भी हाई होता है। स्टूडेंट्स आपने इन सारे पॉइंटों को अच्छे ढंग से समझ लिया, इस पर जो है हम अब क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों को आप होमवर्क के रूप में नोट कर लेंगे और उसको सॉल्व कर चेक कराएंगे। स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन विथ एग्जांपल। स्टूडेंट्स दिए गए क्वेश्चनों को कृपया आप हल कर चेक कराइए। ओके, थैंक्स।